हेलो गुड इवनिंग एवरीवन पीयूष डॉक्टर पंकज पिंका अक्षय आकाश विष्णु सुलेमान कमल श्रेया चांसी यस नेहा वर्षा विष्णु रवीना जितेंद्र नमस्ते बेटा नमस्ते डॉक्टर अभिषेक पंकज हेमा आकाश डिंपल नेहा अक्षय रवीना आकृति नीट स्टडी लवर स्माइली अंकित निशा अनु ऋषि अक्षय पीयूष काजल बस सुलेमान बस यस जितेंद्र हेलो निकिता आकाश आयुष काजल लक्ष्मी सम्राट प्रणाम बेटा खुश रहिए नॉटी गर्ल हेलो तरुण श्री ओम विश्वकर्मा आकृति मौर्या स्माइली राजपूत कुंदन यस गुड इवनिंग यस हेमा प्रिया डॉक्टर ऋतु हरि प्रीतम अलीशा आ जाओ भैया गोपेंद्र एमबीबीएस मोटिवेशन मेडिको हाँ जी शिव सोनी आपका लिंक सेंड कर दो भैया यस नितीश मैम आपके पीछे कनेक्टेड टिश्यू है हाँ <laughs> तरुण प्लीज़ ग्रुप में आपका लिंक शेयर कर दो यस डॉक्टर गौरी अंजलि एडुकेशन बाय हर्षित प्रताप अलीशा अंजलि इतनी सारी अंजलि हैं बैरवा कौन है ये यस गुड इवनिंग नितिश कामना सुरजित विशाल राहुल कमल सुमित नर्गिस यस आ जाओ हेलो कोमल सिमरन हर्ष उमेश तो कल से कितने प्याज मिले तुम्हें पहले तो ये बताओ कल से कोई प्याज मिला कि नहीं मिला मैडम ये तो गर्मियाँ हैं गर्मियों में कहाँ मिलते हैं प्याज प्याज मिलते हैं मैडम सर्दियों में ऐसे गोलू मोलू से बिल्कुल हाँ चलिए कल एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे कौन बुद्धेश था मैडम अनियन <laughs> मैंने कहा मैडम नहीं है अनियन यस yes. चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बस एक मिला था मैम हेलो यस कनिका कामना को कल एक अनियन मिला सुरजीत को कल चार अनियन मिले पूजा हेलो यस yes. गुड इवनिंग विकास उमेश बस 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 करो यार नमस्कार गुड इवनिंग से थोड़ा आगे बढ़े अब या नहीं बढ़े वहीं पे रहे केमिस्ट्री के दर्द से वही हैं आबाद जिसको पीरियोडिक टेबल है याद हाय हाय पीरियोडिक टेबल याद करना तो बहुत ही आसान होता है नहीं वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए और पता नहीं क्या क्या ऐसे करके चलता रहता है ना कहे शिवजी सुनो पार्वती राधे राधे अमित राधे राधे पवन हाँ जी डॉक्टर क्रेजी गर्ल डॉक्टर क्रेजी गर्ल नहीं होते ना वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए ना तरकीब कोई की एग्ज़ाम क्या है ये आई एम गुड पूजा लो खुशी आज की सच्चाई से ये है कि रिश्तों में केमिस्ट्री अब ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी है बायोलॉजी पर है सबका ध्यान इसके बिना रिश्ता टिकता ही नहीं अच्छा ठीक है गगन नमस्कार बस बहुत हो गया गुड इवनिंग यार घर में ही है अच्छा सलोनी रही है मेरे घर में ही है प्याज सुबह जहाँ उसे काटो फिर ए चलते फिरते चाँटा देते तो हुए निकलते चलो चलिए बेटा हो गया गुड इवनिंग नमस्कार आदाब सत श्रीकाल वालेकुम अस्सलाम सब कुछ हो गया शुरू करते बेटा संयोजी उतक संयोजी उतक में कल हम लोगों ने बिल्कुल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था हमने देखा था संयोजी उतक में क्या क्या होता है संयोजी हो उतक में तीन चीज़ें होती हैं पहले होता है बेटा पिंकी गुड इवनिंग पढ़ लें हाँ जी सलोनी राहुल पवन सलोनी अंजलि अभी तक आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं कितने बजे का टाइम है भैया क्लास का क्लास का टाइम कितने बजे होता है तुम लोगों का हाँ जी कोमल बोल रही है माय फेवरेट इज बायोलॉजी सी एच आर वन थ्री एट सिक्स एच आई एम आई वुड लाइक टू नो योर नेम क्या नाम है बच्चा आपका नमस्कार एडी स्टाइल सीएस सुभाष लोमाश वंदना क्लास का टाइम क्या है कोई मुझे बताएगा काजल कह रही है क्लास को लाइक कर दो सब हाँ कर दो भैया हाँ जी साढ़े पाँच बजे मैम आने दो ना <laughs> काम ना आओ लेकिन टाइम से आ जाओ तो तुम्हारा भी भला हो जाए मेरे साथ साथ नहीं चलिए तो संयोजी उतक में बेटा कल हम लोगों ने इसके घटक देख लिए थे कि संयोजी उतक में क्या क्या होता है और हमने तीन चीजें देखी थी बेटा एक तो होता है आपका आधात्री जिसे हमने कहा था मेट्रिक्स एक बेटा इसमें होते हैं कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं काफी का, आ, कुछ हमने कल पढ़ लिया था फिर बेटा हमने तीसरा देखा था इसमें होते हैं आपके फाइबर्स यानी कि तंतु ठीक है आधात्री हम देख चुके थे कौन बना रहा था आधात्री बेटा आधात्री बना रहे थे आपके तंतु कोशिकाएं यानी कि फाइब्रोब्लास्ट क्लास में लेट जो आए वो हाथ ऊपर करके बाहर खड़े हो जाओ सपना सबसे पहले तुम जाओगी तुम अभी आई हो ठीक है यस दूसरा बेटा हमने देखा था आधात्री बनाने वाली कोशिकाओं में तंतु को रख के अलावा आपकी मां बक्षाणु कोशिकाएं भी आधात्री बनाती हैं इवन बेटा आपकी आ, आ, मास्ट कोशिकाएं भी आधात्री का निर्माण करती हैं फिर बेटा हमने कोशिकाओं में और देखा था तंतु गोरख हमने देख लिया था कोशिकाएं हमने देख ली थी हमने महाभक्षाणु कोशिकाएं देख ली थी महाभक्षाणु कोशिकाओं को हम शरीर के अलग अलग अंगों में लगभग अलग अलग नामों से जानते हैं उनको भी बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुफर कोशिकाओं आपके नीट आ, कुफर कोशिकाएं आपके नीट में आ चुका प्रश्न है वो मैंने आपको बताया था इसके अलावा बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी वसा कोशिकाएं वसा कोशिकाएं बेटा दो तरीके की होती हैं जिसमें हमने प्याज का डिस्कशन किया था ठीक है हमारे अंदर बेटा जो वसा कोशिकाएं है होती हैं गगन डाउटनट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी तरुण ने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पे और ग्रुप का नाम है बेटा मैम मैंने दो क्लासेस मिस कर दी काहे मिस की थी अंजलि भैया क्यों मिस की क्लास आपने बेटा नहीं करनी चाहिए थी ना नहीं सर हाउ आर यू अंजलि पहली बात तो मैं मैडम हूँ सर नहीं हूँ है ना मदन चलिए चलिए सुलेमान फिर बेटा हमने वसा कोशिकाएं डिस्कस कर ली थी दो तरीके की होती है एनसीआर टी हाईलाइट करवाएंगे अंकित खत्म हो जाने दो तो एक बार बेटा आज हम लोग बेटा दो कोशिकाएं पढ़ेंगे आपकी एक तो लसिकाणु कोशिकाएं जिनको हमने लिम्फोसाइट्स बोला था और दूसरा बेटा ठीक है पवन दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा कोशिकाएं ठीक है फिर हम जल्दी से तंतुओं के बारे में बात करेंगे और हम शुरू करेंगे जो आपके संयोजी के प्रकार होते हैं उसके बारे में चलिए कोशिकाओं पे आ जाओ जरा तो आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवी कोशिका और पांचवी कोशिका है बेटा आपकी लिम्फोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं लसिकाणु ये भी बेटा एक तरीके के रुधिर कोशिकाओं में आते हैं हा नहीं ये भी एक तरीके के श्वेत रुधिर कोशिकाओं में आते हैं आपके लस्सीणु कल हमने देखा था बेटा आपके श्वेत रुधिर कोशिकाओं में आती है बेसोफिल्स कोशिकाएं कई सारी बेसोफिल्स कोशिकाएं बेटा मिलकर के मास्ट सेल्स बनाती है मास्ट कोशिकाएं बनाती हैं दूसरा बेटा हमने बेटा अपने नोट्स बनाओगे तो बेस्ट है कोमल है ना चलिए दूसरा बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो आपके महाभक्षाणु कोशिकाएं होती हैं प्रशांत ये महाभक्षाणु कोशिकाएं भी आपकी एक मिनट डॉक्टर गर्ल एम्स लवर पूछ रही है मैम तरुण आपका फेवरेट स्टूडेंट है क्या डॉक्टर क्रेजी गर्ल तरुण उंगलियां उठ रही हैं तुम पे हाँ तो डॉक्टर क्रेजी गर्ल मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैम के वो हर बच्चे फेवरेट होते हैं जो उनकी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं यस सितेश रेगुलर अटेंड करते हैं मतलब कभी भी बेटा हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सबके कमेंट्स अगर पढ़ते रह जाएंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे है ना तो तरुण बेटा अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अटेंड करता था इसलिए मेरा फेवरेट बच्चा है ऐसा नहीं है पर यह है कि वो बच्चा बहुत टाइम से बेटा मेरे को रेगुलर मेरी चाहे मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास लूँ चाहे मैं हिंदी मीडियम की क्लास लूँ ऑलमोस्ट आठ दस महीने हो गए हैं जब से वो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मुझसे रेगुलर बना हुआ है इसके अलावा बेटा यहाँ पे सम्राट शुक्ला भी है ये भी एक ऐसा बच्चा है जो जब मैंने हिंदी मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की तब वो हिंदी की क्लास में आया तो मुझे पता लगा कि वो हिंदी का बच्चा है वरना उससे पहले मुझे पता था कि वो इंग्लिश का ही बच्चा है तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं बेटा जो इंग्लिश हिंदी दोनों की मीडियम की क्लासेस अटेंड करते हैं जो मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं मैं उनसे अटैच हो ही जाती हूँ और ये सिर्फ मेरा नहीं बेटा आपके साथ भी तो होता है ना अगर आप किसी टीचर से लगातार पढ़ेंगे तो आपको उस टीचर से अटैचमेंट अटैचमेंट हो जाएगा नॉट ओनली अबाउट यू स्टूडेंट्स बेटा बच्चों को भी आ, मतलब टीचर को भी बच्चों से अटैचमेंट होता है और ये अच्छी चीज़ है ना इसमें बुराई क्या है आप लोग भी बेटा अगर रेगुलर क्लासेज अटेंड हो तो धीरे धीरे हम आपको भी जान जाएंगे आप लोगों के भी नाम जबान पे आ जाएंगे है ना चलिए दूसरा बेटा मैं आप लोगों को बोलूंगी अगर आप लोग यूट्यूब से ज़्यादा बेटर होगा अगर आप लोग डाउटनट ऐप पर आकर के क्लास को ज्वाइन करेंगे ठीक है चलिए तो लसिकाणु कोशिकाएं बेटा ये भी एक तरीके से हाँ महाभक्षाणु कोशिकाएं बेटा आपके एक तरीके के डब्ल्यू होते हैं मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स का बेटा समूह मिलकर के महाभक्षाणु कोशिकाएं या वृहद भक्षाणु कोशिकाएं या मैक्रोफेजेस का निर्माण करता है ये हमने बेटा पढ़ा था ठीक है फिर लसिकाणु बेटा क्या है ये भी एक तरीके की एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं है। क्या है बेटा एक तरीके की ये भी डब्ल्यू बी सीज हैं ठीक है श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं दूसरी बात बेटा लसिकाणु का काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना एंटीबॉडीज को बेटा हम बोलते हैं ये प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं क्या करती हैं बेटा ये प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं क्योंकि बेटा ये प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर रही हैं इसका मतलब क्या हुआ बेटा प्रतिरक्षी निर्माण कर रही है मतलब ये कहीं ना कहीं आपके प्रतिरक्षा तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है ठीक है राइट पूजा ये कहीं ना कहीं आपका प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है ठीक है क्लियर है चलिए इतना ही है बेटा लसिकाणु के बारे में बहुत ज्यादा आपको फिलहाल नहीं जानना है अब बेटा नितेश बोल रहे हैं मैम मुझे ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है बेटा अगर आप Uh, टेलीग्राम पे जुड़ते हैं जुलॉजी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा वहाँ पर बेटा तरुण या बाकी कोई भी बच्चा अगर आ जाता है कामिनी वगैरह तो इन लोग वहाँ पर लिंक शेयर कर देते हैं है ना कोई तो कर देता है यस डॉक्टर बाबू गुड इवनिंग अगला बेटा कोशिका है आपका प्लाज्मा कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं को बेटा हम प्लाज्मा सेल्स भी बोल देते हैं ठीक है इंग्लिश में हम इनको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं बेटा ये प्लाज्मा सेल्स पहली बात तो ये आपके लसिकाणुओं से ही बनती हैं यह सितु पटेल डेली हमारी क्लास साढ़े पाँच बजे होती है ये जो आपकी प्लाज्मा कोशिकाएं हैं इनका निर्माण लसिकाणुओं द्वारा होता है ठीक है इनका निर्माण आपकी लसिकाणु कोशिकाएं करती हैं पहला पॉइंट दूसरा बेटा इनको हम कार्टव्हील कोशिकाएं भी कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा कार्टव्हील कोशिकाएं अब मैडम ये कार्टव्हील क्या होता है अच्छा आप लोगों ने कभी बुलक कार्ट कैमल कार्ट सुना है नहीं सुना है कार्ट का मतलब होता है बेटा हां जी कार्ट का मतलब होता है पहिया क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं बैलगाड़ी है ना बुलक कार्ट इस बैलगाड़ी फिर आपका वो कौन सा काट हो गया अभी कैमल कार्ट ऊंट गाड़ी ठीक है तो ये जितनी भी बेटा आपकी काट्स होती हैं यस yes, बैलगाड़ी राइट सपना है ना ये जो आपकी बैलगाड़ी होती है बेटा अगर आपने कभी बैलगाड़ी का पहिया देखा हो किसका होता है लोहे का पहिया होता है बैलगाड़ी में या रबर का होता है किसका पहिया होता है बताना ज़रा हाँ जी यूनिक स्टूडेंट डी मौर्या ये बताइए बेटा बैलगाड़ी में किसका पहिया होता है लोहे का पहिया होता है रबर का पहिया होता है किसका पहिया होता है लकड़ी का पहिया होता है बिल्कुल सही है रबर का नहीं होता है पूजा यस सपना सम्राट हाँ जी ऊंट गाड़ी हाँ ठीक है <laughs> बुलक कार्ट्स ठीक है इसमें बेटा लकड़ी का पहिया होता है किसका पहिया होता है लकड़ी का पहिया ठीक है और लकड़ी का पहिया बेटा कुछ आपको इस तरीके के से देखने को मिलता है ठीक है ये पूरा लकड़ी का पहिया हो गया और बेटा इसमें बीच में भी ये कुछ ऐसे लकड़ियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई रहती हैं ऐसा ही होता है ना ये हो गया बेटा आपका बैलगाड़ी का पहिया ठीक है ये तो बेटा हो गया आपका बैलगाड़ी का पहिया अब आपकी प्लाज्मा कोशिकाएं कैसी होती हैं आपकी जो प्लाज्मा कोशिकाएं है होती हैं बेटा ये हो गई कोशिका कोशिका में होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली ठीक है इस रबर की लेयर नहीं होती है अमित कहाँ होती है रबर की लेयर पूरा का पूरा बेटा लकड़ी का ही होता है ये हाँ अक्षय यस ठीक है तो यहाँ पर बेटा ये तो हो गई आपकी प्लाज्मा झिल्ली ये हो गई आपकी प्लाज्मा झिल्ली ठीक है जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बेटा बीच में होता है इसका क्या केंद्रक क्या होता है बीच में इसका केंद्रक केंद्रक के अंदर बेटा इसका जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है क्रोमैटिन पदार्थ समझते हैं आप लोग यस डॉक्टर सिंतु चंदन गुड मॉर्निंग नहीं है बेटा गुड इवनिंग है हाँ जी क्रोमैटिन पदार्थ समझते हैं कोई बात नहीं बेटा चंदन टाइम से आना नेक्स्ट टाइम क्रोमैटिन पदार्थ क्या होता है बेटा क्रोमैटिन मटेरियल हाँ या नहीं बैलगाड़ी में बैठकर बहुत मजा आता है क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है क्रोमैटिन मटेरियल ही बात में बेटा कंडेंस होकर के क्या बनाता है क्रोमैटिन मटेरियल बाद में कंडेंस होकर के आपका डीएनए बनाता है ठीक है यस राइट तरुण है ना यस पूजा बिल्कुल सही है हाँ जी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए अतुल ऐसे नहीं होता है यार ज़्यादातर बच्चों ने बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के तो ब्लैक बोर्ड करवाया है अब तुम आके ऐसे व्हाइट बोर्ड ऐसे नहीं चलेगा ना ठीक है तो यहाँ पे बेटा ये अंदर जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है ये क्रोमैटिन पदार्थ बेटा इस तरीके से व्यवस्थित होता है केंद्रक में कि ये आपको बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखाई देता है ठीक है यस अनुवांशिक पदार्थ ये जो बेटा बैलगाड़ी के पहिए की तरह क्रोमैटिन पदार्थ के पदार्थ का क्रोमैटिन पदार्थ व्यवस्थित होता है केंद्रक के अंदर इसी की वजह से बेटा हम इसको काटवील कोशिकाएं है कहते हैं काटवील कोशिका कहते हैं यस लक्ष्मी लक्ष्मी कह रही मैम आई एम न्यू स्टूडेंट वेलकम टू डाउट नट नीट बेटा ठीक है क्लियर है बेटा यहाँ पे क्लियर है ये चीज़ मैम बैलगाड़ी क्या होती है अब नितेश बैलगाड़ी तो गूगल से निकाल लेना तुम लोग बुलक काट ठीक है बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को हम बैलगाड़ी कहते हैं अच्छा अब बेटा क्योंकि ये जो आपकी प्लाज्मा कोशिकाएं हैं ये भी लसिका कोशिकाओं से बन रही हैं तो मुझे ये बताइए बोलिए दोगलापन ऐसे नाम अच्छे रखो यार तो तो मैं बोलूंगी ये सब दोगलापन है ये मैं नाम नहीं बोलूंगी सॉरी यस yes, डॉक्टर बाबू ठीक है वेलकम टू डाउट नट नीट तो यहाँ पर बेटा ये जो काटवील कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं ये प्लाज्मा कोशिकाएं क्योंकि बेटा आपकी लसिकाणु कोशिकाओं से बन रही हैं तो क्या आप मुझे इसका कार्य बता सकते हैं कि ये क्या कार्य करेंगी हां जी प्लाज्मा कोशिकाओं का कार्य बताइए डीएनए क्या है पीयूष पढ़ाएंगे आपको आगे ठीक है डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बिल्कुल सही है पूजा ठीक है तो ये भी क्या करती हैं ये भी प्रतिरक्षी निर्माण करती हैं यानी ये भी प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाती है ठीक है पीयूष डीएनए बताया जाएगा बेटा पढ़ाऊँगी मैं जैव वड़ू में मैं पढ़ाऊंगी आपके जेनेटिक्स में आपके पार्थसर पढ़ाएंगे डीएनए बेटा किसी भी जीव का या यूं कह कह लो अधिकांश जीव का बेटा जो अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो भी मैसेज या जो भी लक्षण लेकर जाता है वो बेटा डीएनए लेकर जाता है ठीक है डीएनए आपकी कोशिका का केंद्रक का वो हिस्सा है बेटा जो कि आपकी कोशिका के अंदर होने वाली जो भी आ, क्रियाएं हैं ठीक है जो भी कार्य की है उसको बेटा ये आ, कंट्रोल करता है नियंत्रित करता है ठीक है तो डीएनए को जैसे आप बोलते हो केंद्रक मैडम कोशिका के पिताजी है जैसा केंद्रक बोलेगा कोशिका वैसा करेगा लेकिन वास्तव में देखा जाए तो केंद्रक के अंदर उपस्थित बेटा जो डीएनए होता है जो अनुवांशिक पदार्थ होता है जो अनुवांशिक पदार्थ बोलता है हमारी कोशिका वो करती है ठीक है यस इट इज डी ऑक्सीराइबुल न्यूक्लिक एसिड ठीक है चलिए जय हिंद गुनगुन यहाँ तक क्लियर है सब कुछ अपना अब बेटा आगे बढ़ते हैं मैम ट्वेल्थ में आप नहीं लेंगे क्या बंग बिहार सीनियर सेकेंडरी वाला बी एस भी बेटा अभी मुझे नहीं पता मुझे जो बैच दे दिया जाएगा हम ले लेंगे कौन सी बड़ी बात है चलिए अब हम बेटा बात करते हैं तंतुओं की कौन कौन से तंतु हैं तो बेटा हमने तीन तरीके के तंतु पढ़े थे कोलेजन तंतु इलास्टिन तंतु और रेटिकुलर तंतु ठीक है कोलेजन फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स ठीक है तीन तरीके के बेटा तंतु होते हैं इसको अगर आप अभी छोड़ दें इसको फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ेंगे हम बेटा बेसिकली पढ़ेंगे कोलेजन और इलास्टिक तंतु इसके बारे में आपकी बुक में कोई दूर दूर तक जिक्र भी नहीं किया गया है अब बढ़ते हैं बेटा कॉलेजन और इलास्टिक तंतु में क्या अंतर होता है बेटा तो कॉलेजन आपके सफ़ेद रंग के तंतु होते हैं कैसे तंतु होते हैं बेटा ये सफ़ेद रंग के तंतु होते हैं जबकि बेटा जो इलास्टिक तंतु होते हैं ये पीले रंग के तंतु होते हैं कैसे होते हैं बेटा ये पीले रंग के तंतु होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा कोलेजन जो होता है इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है इलास्टिन तंतु के अंदर बेटा इलास्टिक तंतु के अंदर आपकी इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है ठीक है कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी इलास्टिन प्रोटीन पाई जाएगी अच्छा जैसे हम बेटा इलास्टिक या इलास्टिन बोलते हैं वैसे ही बेटा हम लोग क्या आ, दि, दिमाग में आता है इलास्टिक वर्ड कहीं सुना है आपने इलास्टिक शब्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं सुना है कि नहीं सुना है हाँ या नहीं नहीं नितेश हम प्रॉपर खाना वाना खाते रहते हैं फ्रूट्स वगैरह खाते हैं नारियल पानी पीते है, हैं एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है इन सब चीज़ों से है ना हाँ जी कहाँ सुना है इलास्टिक वर्ड आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी येस रबर ठीक है कहाँ सुना है बेटा मम्मी पजामे का रबर ढीला हो गया है टाइट कर दो ठीक है जो लोअर्स वगैरह आते हैं उनमें लोअर्स का इलास्टिक ढीला हो गया है टाइट कर दो मोस्टली तो इलास्टिक वहीं यूज़ होता है रबर्स ठीक है तो इलास्टिक ढीला होना इलास्टिक जैसे ही बेटा शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये फ्लेक्सिबल होगा लचीला होगा ठीक है यस yes, प्रत्यास्थ होगा बिल्कुल सही है प्रशांत तो बेटा जो आपके कोलेजन तंतु होते हैं ये बेटा दृढ़ तंतु होते हैं कैसे होते हैं ये दृढ़ तंतु होते हैं इनमें लचीलापन नहीं होता ठीक है ये लचीले नहीं होते इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जबकि बेटा जो आपके इलास्टिक तंतु है अब नाम में ही इलास्टिक है तो सीधी सी बात है मैडम इनमें लचीलापन होगा इनमें लचीलापन होता है सॉक्स ढीले हो जाते हैं मम्मी अब तो खैर हम लोग कहाँ सॉक्स वॉक्स पहनते हैं शूज़ के साथ छोटे छोटे सॉक्स पहनते हैं वो दिखते भी नहीं है ढीले हो जाएँ टाइट हो जाएँ पता ही नहीं लगता ठीक है लेकिन जब बेटा हम छोटे हुआ करते थे स्कूल जाते थे उस टाइम पर बेटा हमारे स्कूल में जो सॉक्स चला करते थे वो इतने बड़े बड़े चलते थे है ना मतलब इतने बड़े बड़े तो होते ही थे एटलीस्ट और फिर क्या होता था महीने दो महीने बाद सॉक्स उनकी जो इलास्टिक होती थी वो ढीली हो जाती थी तो हर दो तीन महीने में हम सॉक्स बदल रहे हैं है ना तो बेटा यहाँ पे कोलेजन कैसा होता है देखने में बेटा बताया तो कोलेजन जो होते हैं आपके दृढ़ तंतु होते हैं दिखने में सफ़ेद रंग के होते हैं ठीक है जबकि इलास्टिक जो होते हैं आपके लचीले तंतु होते हैं पीले रंग के होते हैं ये बेटा बिल्कुल बेसिक है अब इनके आधार पर बेटा जब हम सघन संयोजी तक पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में इन दोनों के बारे में बताऊंगी ठीक है कि आपके शरीर में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हम वहां पर बेटा इनकी चर्चा करेंगे चलिए बेटा ये तो हो गया आपके घटक अब हम बात करते हैं संयोजी उतक के प्रकार के संयोजी उतक के प्रकार बेटा हम लोगों ने कहाँ पाए जाते हैं कामिनी अभी बस बेटा जैसे हम सघन संयोजी उतक शुरू करेंगे अभी हम ढीले संयोजी उतक पढ़ेंगे फिर हम बेटा सघन संयोजी उतक स्कूल में अभी भी यही पहनते हैं हाँ तो आप लोग तो पहनोगे ना अब आप लोग स्कूल जा रहे हैं। हमारा तो स्कूल खत्म हुए बरसों हो गए हैं एक दशक बीत गया है बेटा हमारा स्कूल खत्म हुए एक दशक से ज्यादा बीत गया है ठीक है तो संयोजी उतक के प्रकार जब बेटा जब मैं आपको सघन संयोजी उतक पढ़ाऊंगी तो बेटा कामना कामिनी जिसने भी पूछा था वहां पे मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगी ठीक है बाबूजी जी पूछ रहे मैं इंग्लिश मीडियम कब लेंगे यूट्यूब पे लेंगे बेटा जल्दी लेंगे हाँ आगे बढ़ते हैं संयोजी उतक के प्रकार बेटा कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे मैं वापस नहीं लिखूंगी पहले हमने बोला था एक होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वास्तविक संयोजी उतक दूसरे होते हैं बेटा आपके विशिष्ट संयोजी ऊतक जिनको हमने कहा था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो आपके वास्तविक संयोजी ऊतक हैं जो अभी हम बेटा पहले पढ़ेंगे वास्तविक संयोजी मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट आपको कल बना करके बता दिया था आशा करती हूँ आप लोगों ने जो कल क्लास में नहीं आया था उसने देख लिया होगा नहीं देखा है तो बेटा देख लीजिएगा लेक्चर आपको मिस नहीं करने हैं पहले ही आपसे बोला गया है अगर किसी कारणवश बेटा लेक्चर मिस हो जाता है तो आप प्लीज रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा ठीक है वास्तविक संयोजी ऊतक बेटा एक होते हैं आपके ढीले संयोजी ऊतक जिनको हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी लिख रही हूं दूसरे हो गए बेटा आपके सघन संयोजी ऊतक और इसको हम बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू और यहाँ पर भी बेटा मैं कनेक्टिव टिश्यू को सी टी लिखूँगी डेंस कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ढीले भी बेटा आपके दो तरीके के थे कौन कौन से थे पहला हो गया आपका अंतराली संयोजी ऊतक जिसे हमने कहा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दूसरा हो गया बेटा आपका वसा संयोजी ऊतक। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगी इसको हम कहेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है सघन में आइए बेटा सघन को अभी मैं बता देती हूँ आगे डिटेल हम पढ़ेंगे सघन में आते हैं बेटा आपके श्वेत कोलेजन संयोजी ऊतक, वाइट कोलेजनस, नीचे से प्लीज़ नीली या लाल पट्टी हटा दीजिएगा वाइट कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू नीचे से ये पट्टी हटा दो प्लीज अगले में हो जाएगा आपका पीले इलास्टिक संयोजी ऊतक येलो, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू चलिए शुरू करते हैं बेटा ढीले संयोजी ऊतक से ढीले संयोजी ऊतक मैंने अभी कहा दो तरीके के हैं पहले हैं बेटा आपके अंतराली संयोजी ऊतक। पहली बात तो बेटा इनको हम ढीले क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए अब आपको ये तो पता है बेटा कि संयोजी यूतक में तीन चीज़ें हैं ठीक है आदात्री दूसरा बेटा कोशिकाएं, तीसरा बेटा आपके तंतु ठीक है ये बेटा आपका एक चित्र दिया हुआ आपके है आपके एन में आधात्री कोशिकाएं और तंतु ये जो बेटा हैं ये आपकी कोशिकाएं हो गई ये कोशिकाएं हो गई ठीक है ये कोशिकाएं हो गई कल मैंने ये चित्र भी बना करके आपको बताया था कल वाली क्लास अगर आपने देखी हो ये बेटा कोशिकाएं हो गई ये कोशिकाएं हो गई ये कोशिकाएं हो गई और ये सबसे बड़ी कोशिका जिसको हमने कहा था सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बेटा आपके संयोजी ऊतक की तंतु कोरक कोशिकाएँ जिसे बेटा हम कहते हैं फाइब्रो ब्लास्ट कोशिका मैम इस चैप्टर में आरेख ज़्यादा है बेटा नहीं बनाओ तो एक भी नहीं है एनसीईआरटी में तो एक भी आरेख नहीं दिया है लेकिन मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना मैं हर चीज़ को फ्लो चार्ट बना बना के पढ़ाती हूँ मुझे लगता है बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है ठीक है आप एक शताब्दी से पढ़ा रही हो बेटा मैं एक दशक से पढ़ा रही हूँ चलिए तो इसके अंदर बेटा आपको कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर बेटा आपको तंतु देखने को मिल रहे हैं ये कोलेजन तंतु हो गए और बेटा ये जो अंदर खाली जगह है इसे हम कहेंगे आधात्री या मैट्रिक्स। ठीक है ये ढीले संयोजी ऊतक तक ढीले संयोजी ऊतक तक को बेटा हमने ढीले क्यों बोला है उसको समझिएगा इस कोशिका में बेटा आधात्री ज़्यादा होती है कोशिकाएं और तंतु कम मात्रा में होती हैं। वेरी गुड इवनिंग चंदू तो यहाँ पे ढीले संयोजी तक में बेटा क्या होता है यहाँ पे आधात्री ज़्यादा मात्रा में होती है जबकि कोशिकाएं एवं जो तंतु हैं उनकी मात्रा बेटा यहाँ पर कम होती है ठीक है इसीलिए बेटा हम इनको ढीले संयोज अब एक बड़ा सा कमरा है उसमें खूब सारी जगह है राइट कामना उसमें खूब सारी जगह है और मैंने उसमें पाँच छः बच्चे बिठा रखे हैं तो वहाँ पे खूब सारी जगह खाली खाली जगह रहेगी तो वहाँ पे बच्चे ऐसे फैल के बैठे हैं चाहे ऐसे नॉर्मल बैठे हैं लेट जाएं इधर से उधर करवट ले रहे हैं जो उनको करना है करने दो है ना क्योंकि वहाँ पर बेटा ओके दिव्यांशु तो यहाँ पे बेटा क्या है ढीले संयोजी तक में आधात्री ज़्यादा है कोशिका और तंतु की जो मात्रा है वो कम है नितेश मुझे पता है रेड पेन नहीं दिखता है लेकिन यहाँ पे बेटा वो चित्र के हिसाब से ऐसा कोई पेन नहीं था जो सफेद और काले दोनों पे दिखता है मैंने बना दिया। आपको पता है बेटा ये क्या है कोशिकाएं हैं तंतु है और आधात्री है ठीक है हितु ये सिक्स लेक्चर है छठवा लेक्चर है तो ढीले संयोजी में बेटा आधात्री की मात्रा ज्यादा है कोशिका और तंतु की मात्रा कम है इसी वजह से हमने इसको ढीले संयोजी ऊतक बोला है अच्छा सघन संयोजी उतक में बेटा उल्टा होता है सघन संयोजी उतक में क्या होता है इसमें आधात्री कम होती है और इसमें कोशिकाएं एवं तंतु इनकी मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है ठीक है कोशिकाएं एवं तंतु, एवं तंतु की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए बेटा हम इसको सघन बोलते हैं ठीक है वही छोटा सा कमरा एक कमरे में पाँच दो बराबर कमरे हैं एक कमरे में मैंने पाँच बिठाए एक मैंने पंद्रह बिठा दिए तो पंद्रह वाले ऐसे सघन रहेंगे ना टाइट रहेंगे वहाँ पे मतलब जगह कम होगी बैठी जाए वही बहुत है लेटने की भी जगह नहीं है इधर ये पाँच ऐसे फूल रहे हैं है ना तो यहाँ पर बेटा डिफरेंस है आपका ढीले और सघन में यस गुड इवनिंग रिया ये समझ में आया बेटा ढीले संयोजी तक को ढीले क्यों बोला है सघन संयोजी उतक को सघन क्यों बोला है क्लियर है यहाँ तक बेटा यस सघन और बिरल में अंतर बिरल क्या होता है बाबू बिरल नहीं समझी मैं यहाँ तक क्लियर है बेटा चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अब मैंने कहा ढीले संयोजी उतक आपके दो प्रकार के हैं कौन कौन से हैं ये बेटा हो गया आपका अंतराली और दूसरा हो गया आपका वसा संयोजी तक ठीक है ये बेटा आपको एक वसा कोशिका दिख रही है कल मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए पूछने का मेरा पूरा हक बनता है ये आपकी एक वसा कोशिका है ठीक है इस वसा कोशिका को देख करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी वसा कोशिका है ये श्वेत वसा कोशिका है या ये भूरी वसा कोशिका है जल्दी से मुझे ये बता दो ये चित्र देख करके क्या समझ में आ रहा है ये बेटा श्वेत वसा कोशिका है या भूरी वसा कोशिका है मोनोलोक्युलर एडिपोसाइट है या मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट है पूछ लो निकिता कह रही है हा? वाइट मोनोलोक्यूलर हाँ निकिता पूजा आधात्री क्या होता है प्रिया प्लीज कल वाला लेक्चर देखो मैंने कल वाले में बताया है बाबूजी भी बता रहे हैं वाइट सुरजीत बोल रहे हैं वाइट पूरा हक है हा दीपा वाइट श्रेया बोल रही है मैम वाइट सिमरन बोल रही है ब्राउन मोनोलोक्यूलर पीयूष ओके नीतीश वाइट कामना वाइट वाइट ब्राउन कौन बोल रहा है वाइट इम्पल बोल रही है ब्राउन व्हाइट वाइट 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 मोनोलोक्यूलर निशा भी बोल रही है मैम ब्राउन है आकृति बोल रही है मैम ब्राउन ऐसा चांटा दूंगी ना ब्राउन है कहाँ दिख रहा है ब्राउन ये है ये एक कोशिका है आपकी ये इस एक कोशिका के अंदर बेटा ये इतनी बड़ी जो खाली जगह है इस पूरी खाली जगह में बेटा क्या भरा हुआ है ये देखो ये वसा संग्रहण क्षेत्र है ये पूरा यहाँ पर वसा भरा हुआ है केवल आपको यही साइड में बेटा खाली जगह दिख रही है जहां पर आपका ये केंद्रक उपस्थित है ठीक है और ये छोटी मोटी ये जगह है पूरी ये लाल 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 जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ यहीं पर बेटा आपका माइटोकॉन्डिया और अन्य कोशिकांग उपस्थित होंगे तो यहाँ पर बेटा जब ज्यादा मात्रा में वसा संग्रहित है तो बेटा ये आपका श्वेत वसा कोशिका हुआ ना मोनोलोक्युलर एडिपोसाइट हुआ ठीक है मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट का जिक्र आपकी एन में नहीं है लेकिन मैंने बताया है ठीक है यस सुरजीत माइटोकॉन्ड्रिया माइट्रो मतलब चाटा मैम मा, चाटा मार लिया करो जहाँ गलती करो याद रहता है ऑफलाइन होता तो मैं ही मार देती आकर के फाइन लक्ष्मी ने भेज दिया वाइट 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 व्हाइट तो ये क्लियर है बेटा आपका अंतराली कोशिका और श्वेत वसा कोशिका सॉरी ढीले संयोजी ऊतक दो तरीके के होते हैं अंतराली और आपका वसा संयोजी ऊतक ठीक है अब अंतराली और वसा इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं बेटा अंतराली संयोजी ऊतक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा अंतराली संयोजी तक इसमें नाम ही बता रहे बेटा अंतराली मतलब जिसमें बड़े बड़े अंतराल हैं ठीक है थीके? इस अंतराल में क्या होता है अंतराल मतलब खाली जगह ठीक है तो इसमें अंतराल काफी मात्रा में है ठीक है अंतराल अधिक मात्रा में है अंतराल का मतलब होता है बेटा ओपन स्पेस स्पेस ही बोल लो ठीक है यहाँ पे ये अंतराल काफी मात्रा में होते हैं और या यूं कह लो कि इसमें आधात्री की मात्रा ज्यादा है आधात्री ज्यादा है ठीक है जिसकी वजह से कोशिकाओं और तंतुओं के मध्य बेटा बहुत सारी खाली जगह उपस्थित होती है नीचू कोई बात नहीं कैसे हो बेटा नानी की तबीयत कैसी है अभी तो यहाँ पर बेटा क्योंकि आधात्री ज़्यादा है कोशिकाएं और तंतु की मात्रा कम है जिसकी वजह से बेटा आधात्री में खाली जगह बहुत है खाली जगह बेटा अगर आधात्री में बहुत है तो उसे हम बोलते हैं कि इसमें अंतराल उपस्थित है या एरियोले प्रेजेंट है वो जो खाली जगह होती है बेटा उसको हम अंतराल या एरियोले बोलते हैं और अंतराल होने की वजह से एरियोले होने की वजह से हम इसको अंतराली संयोजी ऊतक या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं मारना गलत है स्टूडेंट को अच्छा ठीक है तो मैं तो बेटा गलत काम करती हूँ गोलू गोल्डन ठीक <laughs> है यहाँ तक क्लियर है हेलो राहुल ये समझ में आया अब अंतराली संयोजी यु कहाँ पाया जाता है बेटा इसकी स्थिति बेटा त्वचा के नीचे आप सबको पता है बेटा हम उपकला उतक पढ़ चुके हैं त्वचा है बेटा आपका जो उपकला उतक से बना है कौन सी उपकला उतक से बना है जल्दी बताओ जरा नितेश सारे दिन क्लास का वेट करते हो तो जल्दी से बता दो बेटा फिर मेरी क्लास भी तो अच्छे से पढ़ोगे ना हाँ क्या बोलते हैं बेटा सॉरी कौन सी उपकला से बना है आपका त्वचा जल्दी बताओ अच्छा होता है मैम हाँ बच्चों को मारना <laughs> बताओ कौन सी उपकला बेटा उपस्थित होती है आपकी त्वचा में ये कामिनी रिक्त स्थान को यह मंत्रालय बोलते हैं सब लाइक करें भाई अच्छा ठीक है मिलेन छाटा मिलेन तो वर्णक क्या बेटा चांसी एक्ट्रोडम एक्टोडर्म से बनी है त्वचा त्वचा में उपकला उतक कौन सा होता है सिंपल सिंपलियम टिश्यू दीपा चाटा, कंपाउंड कंपाउंड में कौन सा सिंपल नहीं होता है बेटा। त्वचा सुरक्षा देने का काम कर रही है सुरक्षा देने के लिए सरल नहीं बेटा संयुक्त के अंदर भी शल की उपकला पाई जाती है हाय हाय मेरे बच्चों त्वचा किसकी बनी होती है त्वचा बनी होती है आपके स्तरित आपकेटन युक्त इतना केरेटन केरेटन समझाया बालों में नाखूनों में ट्रेस में शैंपू का एग्जाम्पल भी दिया था तब तुम्हारा ये हाल है बताओ केरेटन युक्त उपकला ऊतक की बनी होती है बेटा आपकी त्वचा और इस त्वचा के नीचे बेटा आपका जो संयोजी उतक पाया जाता है उसको हम बोलते हैं आपका अंतराली संयोजी यूतक यहाँ पर बेटा आपका वसा भी पाया जाता है यहाँ पर ये जो अंतराली संयोजी यूतक होता है इसको हम पैनिकुलस कार्नोसस बोलते हैं कोई बात नहीं नहीं याद हो बिल्कुल याद मत करना एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है ठीक है मैं इतना सारा तुम लोगों को पढ़ा दूंगी ताकि तुम्हारे जो भी स्टेट बोर्ड से आप हो राजस्थान छत्तीसगढ़ बिहार यूपी जो भी बेटा आप आ, स्टेट बोर्ड से हो आपका स्टेट बोर्ड भी इसमें कवर हो जाएगा नीट तो हम कर ही देंगे लास्ट में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी एन ताकि आपको ये लगे कि हमने एन तो पूरी पढ़ ली है ज़रूरी जो था बेटा हमने वो भी पढ़ लिया है कॉलमनार नहीं होती है पूजा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होती है किरेटिनयुक्त आज नोट्स नहीं बन पाए कने का क्यों नहीं बन पाए बेटा कार्नोसस बोलते हैं बेटा इसको ठीक है त्वचा के नीचे की ओर समझ में आया छोटी सी बात आगे बढ़ते हैं बेटा वसा संयोजी ऊतक हाँ एमपी भी भैया एमपी भी भूल जाते हैं हम दिमाग से निकल जाता है वसा संयोजी ऊतक में बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और इसका काम क्या है बेटा इसमें ये ऐसा संयोजी संयोजित है जो कि वसा का संग्रहण करता है ठीक है ये फैट स्टोर करता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर ठीक है और यही फैट ज़रूरत पड़ने पर टूट के ग्लूकोज बनाता है ठीक है क्योंकि पेन नहीं चल रहा है आज सारे पेन नहीं चल रहे हैं वाह आज पेनों ने कसम खा ली है कनिका नहीं हाँ जी गुड इवनिंग अलीशान गुड इवनिंग रजनी बहुत जल्दी नहीं आ गए आज अभी क्या करोगे इतनी जल्दी आके अभी रुको एक घंटे बाद आना है अलीशान रजनी हाँ अच्छा सॉरी फॉर लेट <laughs> चांटा दिया करो जल लेट हुआ करो हाँ सही है चलिए बेटा तो ये वसा संग्रहण करते हैं है ना वसा संग्रहण बेटा क्या क्यों करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब हम खाना नहीं खा रहे हैं जब हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं बेटा उस टाइम पर शरीर को अगर एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए हो तो उस टाइम पर बेटा जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो वसा के टूटने से हमें मिल जाती है ठीक है चलिए यहाँ पर बेटा ये वसा संग्रहण कोशिकाएं जो हमने बताया था इनको हम वसा कोशिकाएं कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश में हम इनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं और वसा कोशिकाओं की बेटा हमने पूरी कहानी कल पढ़ ली थी हाँ या नहीं पढ़ ली थी ना श्वेत वसा भूरी वसा श्वेत वसा इज मोनोलोक्युलर एडिपोसाइट भूरी वसायस मल्टीलोक्युलर एडिपोसाइट क्या दोनों में अंतर है बेटा हमने वो भी आपको बताया था कैसे पढ़े मैम पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ बाबू आप कौन सी क्लास में हो अगर आप ग्यारहवीं में हो और पढ़ के भूल रहे हो तो ये नॉर्मल है ठीक है और अगर आप बारहवीं में हो फिर ग्यारहवीं का पढ़ के भूल रहे हो तो ये नॉर्मल नहीं है मतलब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और अगर आप बारहवीं कर चुके हो उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो बेटा तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है ठीक है चलिए थैंक यू नितेश बसा कोशिकाओं का बेटा प्रकार ओहो यू आर इन क्लास नाइन्थ दैट्स वेरी गुड फिर तो बेटा भूलना बनता है आपका ठीक है लेकिन कोई बात नहीं चार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा नॉट अ बिग डील चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा वसा कोशिकाएं सबको याद है है ना दो तरीके की थी आपकी श्वेत और भूरी वसा इनके बारे में बेटा कल हम पढ़ चुके हैं तो ये फिलहाल अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगी ठीक है यहाँ पर बेटा मैम मुझे एक चाटा लगाओ तो पिंकी तुम स्वयं लगाओ ऑनलाइन में वर्चुअल चाटा लग है हाँ जी मैं बीच में हूँ कोई बात नहीं मेरा बच्चा चलिए आगे बढ़ते बेटा अब हम बढ़ते हैं सघन संयोजी ऊतक की तरफ सघन संयोजी ऊतक जो होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू बेटा ये अगेन दो तरीके का होता है कौन सा हमने अभी डिस्कस किया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन संयोजी ऊतक आपका दो तरीके का होता है और वो दो तरीके हैं आपके पहला श्वेत कोलेजन सघन संयोजी ऊतक दूसरा हो गया बेटा आपका पीत या पीले जो भी बोल लो इलास्टिक सघन संयोजी ऊतक इनकी अंग्रेजी भी लिख लेते हैं येल्लो इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू व्हाइट कोलाजिनस डेंस कनेक्टिव टिश्यू अरे यार कॉलेजन इलास्टिन में एक बहुत अच्छी चीज़ में तुम्हें बताने ही भूल गई चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं कौन सी बड़ी बात है कोलेजन तंतुओं को बेटा अगर आप गर्म पानी में डालोगे ना कोलेजन तंतु को यदि बेटा आप गर्म पानी में डालोगे किसमें गर्म या उबलते हुए पानी में तो क्या होगा उबलते हुए पानी में बेटा ये जिलेटिन बना लेते हैं जिलेटिन समझते हो हाँ स्कूल में हो ना तो आज से एक दशक से ज़्यादा पहले है ना हम जब स्कूल में थे तो हम अपनी कॉपी पे मतलब नोटबुक पे अपनी बुक्स पे ना कवर चढ़ाते थे आप लोग भी चढ़ाते होंगे गए हाँ पहले तो हम उस पर वो भूरा कवर चढ़ाते थे <laughs> ब्राउन कवर चढ़ाते थे भूरा कवर मतलब भूरा बोल रही हूँ मैं ब्राउन भूरा कवर चढ़ाने के बाद बेटा हम उस पर एक पॉलीथीन शीट भी चढ़ाते थे ठीक है तो वो जो बेटा पॉलीथीन शीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा जिलेटिन राइट तो ये जो बेटा आपका वाइट कोलेजिन है इस वाइट कोलेजिन को बेटा अगर आप गर्म पानी में डाल दो किसमें उबलते हुए पानी में डालो तो ये व्हाइट कोलेजिन जो तंतु होते हैं बेटा ये जिलेटिन में बन जाते हैं जिलेटिन में परिवर्तित तो हो जाते हैं चढ़ाते हैं ना हाँ जिलेटिन मतलब पॉलीथिन जैसे ठीक है जबकि बेटा अगर आप इलास्टिक तंतुओं को उबलते पानी में डालोगे इलास्टिक तंतुओं को बेटा अगर आप उबलते पानी में डालोगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ठीक है ममीज़ क्या होती है आपको पता है कि नहीं पता है ममीज़ मैडम मम्मी तो ये रही पड़ोस में मैडम मम्मी किचन में लगी है मैं उन मम्मी की बात नहीं कर रही जो हमारी माँ है मैं उन मम्मी की बात कर रही हूँ जो इजिप्ट में पिरामिड्स में रखी गई हैं है नहीं सुना है हाँ जी यस मम्मीज़ ठीक है इजिप्ट के बारे में आप लोगों को पता है ना दुनिया के सात अजूबे उन सात अजूबों में एक बेटा हमारा ताजमहल है ठीक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया आपका वो क्या है वो ऊपर वो पेरिस में ठीक है इसके अलावा बेटा ऐसे सात अजूबों में एक अजूबा बेटा आपके इजिप्ट के पिरामिड्स ये मिश्र में राइट सम्राट ठीक है तो वो जो पिरामिड्स हैं उन पिरामिड्स के अंदर इजिप्शियन ममीज हैं उनको भूत नहीं बोलते हैं गगन उनको हम इजिप्शियन ममीज बोलते हैं अगर आप नहीं किसी ने सुना है तो प्लीज लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग गूगल पे जाएं और इजिप्शियन ममीज के बारे में सर्च करें किसके बारे में सर्च करेंगे आप लोग इजिप्शियन ममीज ठीक है ये जो बेटा इजिप्शियन ममीज़ हैं इनकी जो रक्तवाहिनियाँ हैं रक्तवाहिनियाँ समझते हो ना हाँ जी धमनी और शिरा इन इजिप्शियन ममीज़ की जो रक्तवाहिनियाँ हैं क्या है बेटा रक्तवाहिनियाँ आर्टरीज एंड वेन्स ये रक्तवाहिनियाँ बेटा आज भी वैसी की वैसी ही हैं जैसी तब थी जब वो जिंदा थी समझ में आया नहीं आया मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इजिप्शियन ममीज़ जब बेटा आप लोग गूगल पे डालोगे तो इजिप्शियन ममीज़ की जो खास बात है वो ये कि इनके शरीर में जो रक्त हैं इनकी बाकी पूरी बॉडी को तो चलो हमने बहुत कुछ लगा लगा करके प्रिजर्व किया है एस एस टी में पढ़ा था सपना बोल रही है हाँ लेकिन बेटा इनके अंदर जो आर्टरी है जो धमनी है वो धमनी आज भी वैसी की वैसी है जैसी वो तब थीं जब वो मम्मी जिंदा थी ठीक है जब वो मम्मी नहीं बनी थी तब बेटा जैसी उनकी धमनी थी आज भी बेटा उनकी धमनी वैसी की वैसी ही है तरुण लिख रहे हैं प्राचीन मिस्र और विश्व के कई अन्य देश में लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था और वह मानते थे कि मृत व्यक्ति के शरीर को संभाल कर रखा जाना चाहिए एक बार ऊपर करिएगा प्लीज हम ये पढ़ना चाहते हैं पूरा इधर ऐप पर हाँ ताकि संभाल कर रखना चाहिए ताकि अगले जन्म में वो उस शरीर को पा सके इसी सोच की वजह से प्राचीन काल से लोगों ने मम्मी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी ठीक है लेकिन बेटा ऐसा कुछ होता नहीं है पुनर्जन्म वगैरह साइंस अभी इस, इस पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मानती है ठीक है बहुत सारे लिटरेचर बोलते हैं हाँ है जो लोग इन सब में स्टडी करते हैं वो लोग बताते हैं ठीक है तो इनकी बेटा रक्तवाहिनियाँ आज भी वैसी की वैसी हैं क्यूं? क्यों क्योंकि रक्तवाहिनियाँ बेटा रक्तवाहिनियों की जो भित्ति होती है वो इलास्टिन तंतुओं की बनी होती है समझ में आया और इलास्टिन तंतु मैंने क्या बोला आप इसको उबलते पानी में भी डाल दोगे ना तो इनका कुछ नहीं होगा तो फिर ये एज इट इज रहती हैं ये खराब नहीं होती हैं यही कारण है बेटा कि जो इजिप्शियन ममीज़ हैं मिश्र सभ्यता में जो या मिश्र के अंदर जो पिरामिड्स में आपको देखने को मिलती है इजिप्ट में आज भी बेटा उनकी रक्तवाहिनियां जैसी तब थी जब वो मम्मी नहीं बनी थी मतलब तो जब वो जिंदा थी वैसी ही बेटा रक्तवाहिनियां उनके शरीर में आज भी उपस्थित हैं समझ में आया तो ये इलास्टिक तंतु कहाँ पाए जाते हैं अब सबको पता लग गया जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं उनकी भित्ती में बेटा यही इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं हमारे में भी यस निकिता हम सबके अंदर बेटा ये रक्त वाहिनियों की जो भित्ती है आर्टरी वेन धमनी शिरा है ना ये बेटा इसी इलास्टिन तंतु की बनी हुई है ठीक है अब आ जाओ बेटा जरा अपने सघन संग, संयोजी उतक में बेटा हमने बताया श्वेत और पीले अब ये फिर से दो दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं बेटा एक है नियमित जिन्हें हम बोलते हैं रेगुलर एक है अनियमित अनियमित मतलब इरेग्यूलर यह भी बेटा दो तरीके के होते हैं नियमित यानी कि रेगुलर। और अनियमित यानी इरेग्युलर ठीक है अब रेगुलर और इरेग्युलर का क्या मतलब होता है ये चित्र बेटा आपकी एनसीईआरटी मैम फिर वो मर कैसे गए अरे मेरा बच्चा कामना इंसान मरा है इंसान को जब हम जला देंगे अब जैसे हम मर गए अब हमें कोई जलाएगा तो तो हमारे अंदर का सब कुछ खत्म हो जाएगा अस्थियों भी मतलब अस्थियां जो है वो भी राख बन के रह जाएंगी बस थोड़ी बहुत बाकी तो हम पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे क्यों नहीं होंगे भैया सत्तर परसेंट तो हमारे अंदर पानी है तो पानी पूरा का पूरा एवेपोरेट हो जाएगा हीट लगते ही ठीक है इसके अलावा बेटा जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं वो कार्बनिक पदार्थ सारे के सारे बोला और बेटा जो आपकी अस्थियां हैं जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो राख बन जाते हैं आश ठीक है ये होता है हमारे साथ जला दिया जाए हमें तो अगर बेटा हमें नहीं जलाया जाए हमारी बॉडी को प्रिजर्व मरेगा तो हर इंसान मरना तो बेटा पैदा होना मतलब ज, क्या बोलते हैं जन्म और मरण तो जीवन के चक्र हैं बेटा है ना जो पैदा होता है उसको मरना भी है नो बडी इज अमर अगर हम अपना माइथोलॉजी देखें बेटा माइथोलॉजी मतलब अगर हम अपना थोड़ा सा इतिहास में हमारे ग्रंथ वगैरह देखें तो उसमें सात लोगों को अमर बताया गया है ना लेकिन वो मुझे नहीं पता माइथोलॉजी हम मानते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ वो सात लोग अमर हैं लेकिन बेटा वैसे नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी मरेगा कोई एक दिन में मरेगा कोई एक आ, हफ्ते में मरेगा कोई एक महीने में मरेगा कोई एक साल में मरेगा हर पक्षी की बेटा हर जितने भी आपके जंतु हैं जंतु में आपकी चींटी भी आती है तितली भी आती है मक्खी भी आती है मच्छर भी आता है हम भी आते हैं हाथी भी आते हैं कछुआ भी आता है आपका दुनिया भर के जंतु हैं है ना तो कोई ऐसे जंतु हैं जो एक दिन जीते हैं कोई ऐसे जंतु हैं बेटा जो कुछ घंटे ही जीते हैं कोई ऐसे जंतु हैं जो हजारों साल जीते हैं अब जैसे आपके पेड़ पौधे ले लो पेड़ पौधे भी तो जीव हैं वो हजारों साल जीते हैं तो सबके बेटा अपनी अपनी क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन सबका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है ठीक है तो यहां पर बेटा मरेगा तो हर इंसान लेकिन अगर आप किसी की डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं उसे संभाल करके रखते हैं उसमें कई सारे रसायन मिट्टी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेटा आपने जो इस तरीके से बनाई है कि वो लगाने के बाद वो डेड बॉडी एज इट इज़ बनी रहती है बेटा मम्मीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती है मम्मीज़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बहुत सारे मिट्टी बहुत सारे केमिकल्स बेटा उनके ऊपर लगाए जाते हैं सुनाइए कामना उसके बाद वो मम्मीज़ बनाई जाती है ठीक है तो हमने बाहर से तो बेटा जो सड़ने वाली चीज थी उसको तो हमने आ, बहुत सारे आ, रसायन या मिट्टी या कुछ ऐसे पेड़ पौधे के कुछ रस निकाल करके हमने उसको तो बचा लिया सड़ने वाली चीज को हमने नहीं सड़ने दिया अंदर बेटा जो अस्थियां थी उनका अब कुछ होना नहीं है क्योंकि अंदर तक तो कुछ जाना ही नहीं है जो उसको डिजनरेट करेगा डिमोनोलाइज करेगा अब बेटा बचा उसमें जो उसकी रक्त वाहिनियां हैं तो रक्तवाहिनी में मैंने बोला कि रक्त वाहिनियां जो है उनकी जो भित्ती है वो इलास्टिक तंतु की बनी है और ये इलास्टिक बेटा खराब नहीं होता है ठीक है आगे हमारी ब्लड वेसल्स क्यों गल जाती हैं किसकी ब्लड वेसल गली एडी स्टाइल पूछ रहे हैं। बेटा हमारी ब्लड वेसल्स तो नहीं गलती हैं किसकी आपने सुना कि धमनी गल गई है धमनी नहीं गलती है बेटा आपका स्किन गल सकता है आपका बोन गल सकता है अस्थि आपकी गल सकती है आपकी पेशियां एक बार को गल सकती हैं धमनी नहीं गल सकती ठीक है जल सकती है गल नहीं सकती ठीक है चलिए अब नियमित और अनियमित का क्या मतलब है यहां पे इस चित्र को देखिएगा ये आपकी एनसीआरटी का चित्र है बेटा नियमित मतलब होता है रेगुलर रेगुलर मतलब यहां पर जो तंतु हैं जो कोशिकाएं हैं वो बेटा एक फिक्स्ड पैटर्न में है पैरेलल पैटर्न में है अनियमित ठीक है नियमित में आप क्या देख रहे हैं नियमित में आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी तंतु हैं ये सारे के सारे तंतु बेटा एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हैं एक दूसरे के पैरलली अरेन्ज हैं ठीक है ये देखो तंतु कोरक कोशिकाएं जो तंतु बना रही हैं और सब एक दूसरे के बेटा पैरलली अरेन्ज हैं एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हैं ठीक है इसको हम बोल देते हैं नियमित या रेगुलर ठीक है इसको हम नियमित को और क्या बोल देते हैं इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं रेगुलर फैशन में है ठीक है अनियमित क्या होता है बेटा अनियमित में आप देखेंगे यहाँ पे कोशिकाएं टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हैं ये देखो ये कुछ भी रैंडम ऐसे कुछ भी पड़ा हुआ है है ना यहाँ पे ये सारी की सारी एक नियमित या समानांतर रूप से व्यवस्थित नहीं है इसलिए हम इसको अनियमित बोल देते हैं ठीक है अब यहाँ पर बेटा अनियमित को हमने इंग्लिश में क्या बोल दिया इसको हमने बोल दिया इरेग्युलर अब आपकी एनसीईआरटी में केवल और केवल नियमित के उदाहरण लिखे हैं कि जो नियमित आपकी आ, ये होती हैं नियमित सघन संयोजी उतक जो है ये पाया जाता है बेटा कंड्रा और स्नायु में अब मुझे बत, बेटा मैं ना इनकी इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होती हूँ तो मुझे बता दो इनमें से कंड्रा टेंडेंस और लिगमेंट्स बस मुझे इतना बता दो क्या मैंने सही लिखा है या मैंने उल्टा लिखा है टेंडन्स को हम कंड्रा बोलते हैं स्नायु को हम लिगामेंट्स बोलते हैं क्या मैंने सही लिखा है हिंदी के ज्ञाताओं मुझे ज़रा बताइएगा क्या मैंने सही लिखा है कंटन, आ, कंडरा हम टेंडेंस को बोलते हैं सही है थैंक यू थैंक यू निकिता पूजा धन्यवाद भैया मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ यहाँ पे इसलिए बेटा मैम मैं गवर्नमेंट नर्स हूँ फिर भी मुझे पढ़ना है डॉक्टर बनना है मैं डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैम यस पिंकी आप बन सकती हैं हमारे पास इंग्लिश मीडियम में, में एक बच्चा है वो नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है और वो इस साल नीट देगा और मुझे पता है उसका इस साल नीट में बहुत अच्छे नंबरों से होगा क्योंकि पिछली बार उसके जितने जितने नंबर थे मैंने उसे कहा था मैं काउंसलिंग में तो मैं साउथ का कॉलेज दिलवा दूंगी आराम से बट उसने कहा नहीं nah, मैडम मुझे तो एम्स चाहिए और वो निकालेगा एम्स मुझे पता है वो बच्चा है मेहनती एक बच्चा बेटा मैंने पढ़ाया है वो वेटरनरी कर रहा था वेटरनरी समझते हो ना जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं थर्ड ईयर में बेटा उसने वेटनरी किया और साथ साथ वो तो एम की तैयारी भी कर रहा था उसने थर्ड ईयर में वेटनरी छोड़ करके एम बी बी ज्वाइन कर लिया तो वो ये बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो जस्ट वर्क हार्ड ठीक है मेहनत करते रहो सब निकाल सकते हो मी मैम हरबेरियम ये क्या है पीयूष हरबेरियम हरबेरियम प्लीज़ स्पैम मत किया करो बार, बार 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 ना मैसेज एक ही मत किया करो प्लीज़ ठीक है तो ये सही है बेटा अब आपके टेंडेंस और लिगमेंट्स अब मैडम ये टेंडेंस और लिगमेंट्स होते क्या हैं जरा इनके बारे में देख लेते हैं टेंडेंस मतलब कि कंडरा और स्नायु मतलब कि लिगमेंट्स यहां से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है ठीक है तो मैं यहाँ पे ऊपर स्टार बना देती हूँ मेरे स्टार का एक ही मतलब होता है कि जे भैया इंपॉर्टेंट तुम सब छोड़ दो इसको मत छोड़ना ठीक है तो आपके टेंडन्स और लिगमेंट्स यानी कि आपके कंडरा और स्नायु क्या करते हैं बेटा अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं ठीक है दो अस्थियों के बीच में बेटा अगर हमें जोड़ बनाना है तो इसको हम बोन लिखते हैं ना बल्ब की स्पेलिंग आप सबको पता होगी बी ठीक है तो बी, बी को हम ऐसे लिख देते हैं बोन बोन यूनाइटेड बाय लिगमेंट्स ठीक है यूनाइटेड मतलब आपस में जुड़ी होती है है ना तो बल्ब अस्थि अस्थि से बेटा लिगमेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है ठीक है हाँ जी तन में कंड्रा क्या होती है बेटा कंड्रा आपकी अस्थि को पेशियों से जोड़ती है किससे जोड़ती है बेटा अस्थि को पेशियों से जोड़ने का काम करती है तो अस्थि और पेशियाँ बोन टी मसल्स बी टी एम ठीक है अगर आप बल्ब याद रखोगे बेटा तो दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा ठीक है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम स्नायु यानी कि आपके लिगमेंट्स करते हैं जबकि आपकी अस्थि को पेशियों से जोड़ने का काम आपके कंडरा यानी कि लिगमेंट्स करते हैं सॉरी टेंडेंस करते हैं अब बेटा यहाँ पे एक चीज और, और वो चीज ये कि जो आपके लिगमेंट्स होते हैं ये पीले इलास्टिक नियमित सघन संयोजी ऊतक के बने होते हैं ये स्नायु ठीक है वहीं बेटा आपके श्वेत कोलेजन नियमित के उदाहरण हैं कंडरा श्वेत कोलेजन अब ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है एनसीईआरटी ने केवल ये दे दिया है कि ये दोनों के दोनों आपके नियमित सघन संयोजी ऊतक के बने हैं लेकिन नियमित में भी बेटा श्वेत कोलेजन के बने हैं आपके कंड्रा यानी कि टेंडेंस और पीले इलास्टिक के बने हैं आपके स्नायु यानी कि ठीक है इतना याद कर सकते हो तो कर लेना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने केवल नियमित का बताया है क्लियर हाईलाइट करवाऊंगी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तब ठीक है नियमित के उदाहरण उसने बोल दिया है कंडरा और स्नायु ये क्लियर है बेटा ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है राइट यस सबको क्लियर है अब मैडम अनियमित के उदाहरण बता दो तो श्वेत कोलेजन में अगर मैं अनियमित के उदाहरण बताऊं, श्वेत कोलेजन में अगर मैं अनियमित के उदाहरण बताऊं मैंने क्या कहा है पूरी की पूरी मानव कार्य की बेटा आपकी इसी पर आधारित है औत की अगर आप किसी भी तंत्र की पढ़ेंगे तो बेटा आपको ये जंतु तक क्लियर होना चाहिए ठीक है तो यहां पर बेटा श्वेत कोलेजन अनियमित का अगर मैं उदाहरण देखू कहां कहा पाया जाता है जितनी भी आपकी आवरण है अंगों के जो आवरण है बेटा वो सभी आवरण आपके श्वेत कोलेजन, अनियमित सघन संयोजी उत के बने हुए हैं ठीक है अब अंगों के आवरण जैसे आपका मस्तिष्क के तीन आवरण हैं, हाँ या नहीं जिनको हम मैनेंजर्स बोलते हैं ड्यूरा मेटा अरेक्नोइड मेटा पाया मेटा तो सबसे, बार आवरन, सबसे बाहर वाला बेटा ड्यूरामेटा मस्तिष्क का आवरण हो गया बेटा ड्यूराटा ठीक है मस्तिष्क का बाहरी आवरण सबसे बाहर वाला ठीक है उसको हम बोलते हैं बेटा ड्यूरामेटा और वो ड्यूरामेटा किसका बना हुआ है बेटा ये ड्यूरामेटा बना है आपका श्वेत कोलेजन सघन संयोजी अनियमित ठीक है दूसरा बेटा और आ जाओ आपकी जो पूरी की पूरी आहार नाल है बेटा इस आहार नाल का जो बाहरी आवरण है सबसे बाहर जिसको हम बेटा सिरोसा बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम सिरोसा बोलते हैं ये सिरोसा में ये सिरोसा भी बेटा किसका बना हुआ है आपके इसी श्वेत कोलेजन लेमित सघन संयोजी ऊतक का ठीक है रोहित काफी लेट हो गए हो है ना आपकी जो ये ग्रसिका होती है ईसोफेगस आहार नाल की उसकी सबसे बाहरी बेटा जो परत होती है उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया वही पढ़ाऊंगी आपको पाचन में और आ जाओ बेटा आपके यकृत में बेटा सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं क्या बोलते हैं यकृत पालिकाएं नीट में आ चुका क्वेश्चन है पर पाचन वाले अध्याय से आया है ठीक है यकृत पालिकाएं जो होती हैं बेटा मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूं इनके आवरण को बेटा हम ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल या ग्लिसन संपुट ये बेटा आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है आई एम अगेन मेकिंग स्टार ओवर हो ठीक है ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है राइट इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे आवरण हैं आपके वृक्ष का आवरण ले लो वृक्त का आवरण भी इसका है आपके हृदय का आवरण ले लो इसी का बना हुआ है आपके आ, क्या है फेफड़ों का आवरण ले लो इसी का बना हुआ है आपके अस्थियों का आवरण ले लो पेरी इसी का बना हुआ है है ना तो जितने भी बेटा आपके अंगों के आवरण हैं बिल्कुल साइड हो जाएंगे विद्य विन्ध्यवासि जितने भी बेटा आपके अंगों के आवरण हैं ठीक है थीके? आपका पेरी पेरी मतलब चारों ओर ऑस्टिया का मतलब होता है बेटा अस्थि तो अस्थि का आवरण होता है बेटा पेरिओस्टियम और ये भी इसी का बना हुआ होता है फिर आ जाओ हृदय आवरण को हम बोलते हैं बेटा पेरिकार्डियम पेरी मतलब चारों तरफ कार्डिया का मतलब होता है बेटा हृदय तो हृदय आवरण भी बेटा किसका बना हुआ है इसी का बना हुआ है आपका बेटा प्लूरा प्लूरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं पढ़ाएंगे आपको सब पढ़ाएंगे प्लूरा ये बेटा आपके फेफड़ों का आवरण ये भी इसी का बना हुआ है तो जितने भी बेटा आपके शरीर के अंगों के आवरण हैं अधिकांश आवरण बेटा इसी के बने हुए समझ में आया हाँ या नहीं क्या हम ट्वेल्थ के साथ नीट की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बेटा बिल्कुल कर सकते हैं ट्वेल्थ के साथ ही करनी चाहिए पेरिकॉन्ड्रियम उपास्थि का आवरण मैंने पहले बता दिया ना जितने भी आपके आवरण हैं सब इसी के बने हुए अब अगर मैं इलास्टिन तंतु की बात करूं, जो आपके पीले इलास्टिक तंतु है है ना? पीले इलास्टिक तक, इलास्टिक। सघन संयोजी इसके बेटा अगर मैं अनियमित की बात करूं, इसके नियमित में तो आपने देख ही लिया स्नायु आ गए, ठीक है इसके अगर मैं बोलूं अनियमित मैडम तंतु कहाँ पाए जाते हैं तो इसके अनियमित तंतु अभी हमने बताया था पहला कहाँ पाया जाएगा आपकी रक्त वाहिनियों की भित्ति में रक्त वाहिनियों की भित्ति में वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ठीक है आपकी बेटा कूपिका की भित्ति में कूपिका कहाँ पाए जाते हैं फेफड़ों में तो कूपिका की भित्ति भी बेटा इसी की बनी हुई होती है आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आपका आ, क्या कंप्लीट किया हमने आज कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर वास्तविक संयोजी तक ठीक है नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू यानी कि विशिष्ट संयोजी ऊतक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जल्दी से क्वेज डिस्कस कर लें दो प्रश्न तो लाते ही हूँ मैं पहला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा मोनोलोक्युलर वसा के संबंध में सही कथन है ठीक है निशु तु जा रहे हो तुसी ना जाओ <laughs> पागलों को निकालो मैम प्लीज रहने दो ना क्या दिक्कत है हैं अक्षय अपन पढ़ाई पे ध्यान देंगे हैं अब मैं वो बोलते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना किस किस का मुँह रुकेंगे भैया आज लेट हो गए हाँ रोहित लेट तो हो गए हैं सी डी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी कुछ बोल रहे हैं डी डॉक्टर सिंटू बोल रहे हैं मैडम ए बहुत ही अच्छे अभी लो डी सी ए कभी कभी सकता मैं ए से लेकर के जेड तक भी ऑप्शन रखूंगी ना तो कोई ना कोई ए से लेकर के जेड तक सारे विकल्प कोई ना कोई तो लगा ही देगा है ना मतलब बात बेटा सफेद की जो आप सॉरी श्वेत वसा की है ना श्वेत वसा में बेटा भूरी वसा कैसे हो गया हाई हाय किसने लगाया ए इसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है इसलिए हम इसे श्वेत बोलते तो बी और सी हो गया ना बेटा इसका आंसर डी आगे देख लो बेटा अंतराली संयोजी ऊतक पाया जाता है कहाँ पर बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ओके बबाई प्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है बताइयो तो डी 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 यस डी 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 पिंका बोल रही है ए ए हैं हैं तरुण डी उपरोक्त सभी वृक में तो नहीं पाया जाता अंतराली बेटा जे गलत हो गया हृदय में नहीं पाया जाता त्वचा तो के नीचे जरूर पाया जाता है इसका उत्तर ए होगा ठीक है अंतराली संयोजी बेटा अंगों के बीच में पाया जाता है आपके शरीर में अंगों के बीच में इतनी सारी जो रिक्त आ, स्थान पड़ा हुआ है वहां पे अंतराली संयोजी युतक पाया जाता है ठीक है चलिए सो दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास कल हम वापस से मिलेंगे साढ़े पांच बजे संयोजी उतक को कंप्लीट करेंगे ठीक है टिल देन कल प्लीज टाइम पे आ जाइयो है ना टिल